अगर आप अपने नंबर को इस टाइप से रुपीज फॉर्मेट वाले वर्ड में चेंज करना चाहते हो या आप इसको ऐसे नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में चेंज करना चाहते हो तब आप ये वीडियो लास्ट तक देखो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें जो तरीका हम सीखने वाले हैं नंबर को वर्ड में चेंज करने के लिए, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अभी तक कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बना है जिससे आप डायरेक्टली नंबर को वर्ड में चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नया एक्सेल फाइल ओपन करना है, उसके बाद उसके शीट पे आपको राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों विजुअल बेसिक का विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको दोस्तों आप डायरेक्टली एल्ट के साथ अगर आप फंक्शन की का F11 प्रेस करते हो तब भी दोस्तों हमारा विजुअल बेसिक का विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगर आप में ये डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अगर आप में ये डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है और यहाँ से मॉड्यूल पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों ये डायलॉग बॉक्स हमारा आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक कोड पेस्ट करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट करके कॉपी करना है, ठीक है। और इसको जो है आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा इस कोड को आप डायरेक्टली गूगल से भी कॉपी कर सकते हो। देखिए दोस्तों इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, नंबर टू वर्ड इन एक्सेल, ठीक है। अब यहाँ से आप किसी भी साइट को ओपन कर लो। अच्छा ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको प्रीव्यू देखना है कि जब आप ये कोड कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका रिजल्ट किस टाइप से शो होगा। तो देखिए दोस्तों इस टाइप से नंबर को ये दिखा रहा है कि ये डॉलर में चेंज करेगा, ठीक है, डॉलर फॉर्मेट में चेंज कर देगा। अगर आपको इस टाइप से फॉर्मेट चाहिए डॉलर का तब जो है डायरेक्टली आप ये कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए, रुपीज फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, तब यहाँ पे आप सर्च कर लो क्या रुपीज, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक वेबसाइट शो हो रहा है क्या, हाउ टू कन्वर्ट नंबर टू वर्ड इन इंडियन रुपीज, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखा रहा है इस टाइप से कि आपका जो है नंबर इस टाइप से रुपीज फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ से आप क्या कर लेना है, सभी कर लेना है कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद देखिए दोस्तों आपको अपने एक्सेल फाइल के विजुअल बेसिक में यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। बस दोस्तों इसका काम खत्म। अब आपको क्या करना है, इस फाइल को कर देना है यहाँ पे सेव, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे नॉर्मल सेव बटन पर अगर क्लिक कर देते हो तब जो है ये जो आपका फॉर्मेट है केवल इसी एक्सेल फाइल में काम करेगा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं हम किसी भी एक्सेल फाइल में काम करें, नए पुराने या किसी भी एक्सेल फाइल में काम करें, तो सभी में हमारा ये फॉर्मूला काम करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है एक्सेल एडिंग, ठीक है। देखो तो यहाँ से हमारा फाइल का नाम रुपीज फॉर्मेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने फाइल कर दिया सेव, ठीक है। अब दोस्तों क्या कर देना है, यहाँ से मैंने कर दिया इसको क्लोज, ठीक है। अब आपको लास्ट में एक काम और करना है क्या, अब आप चाहते हो कि ये फॉर्मूला आपका किसी भी एक्सेल फाइल में काम करे तो इसके लिए आपको फाइल में जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन में जाना है, ठीक है। आपको दोस्तों पुराने वाले एक्सेल वर्जन में आपको एक्सेल ऑप्शन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ से आपको एडिंस पे क्लिक करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैनेज में एक्सेल एडिंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आपको गो पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैंने किस नाम से बनाया था, रुपीज फॉर्मेट, ठीक है, इस पर आपको चेक करके यहाँ से कर देना है आपको ओके, ठीक है। अब दोस्तों आपका ये फॉर्मूला सभी एक्सेल फाइल में काम करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे टाइप कर दी इक्वल टू रुपीज फॉर्मेट, देखिए दोस्तों यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या करो, इस नंबर को सिलेक्ट कर लो, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर, देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है ₹75 ओनली, ठीक है। इसको मैंने ऐसे ड्रैग कर दिया, देखिए दोस्तों सभी नंबर हमारा ऑटोमेटिक रुपीज फॉर्मेट में चेंज हो गया, ठीक है। दोस्तों ये क्या था कि हम अपने नंबर को इस टाइप से रुपीज फॉर्मेट वाले वर्ड में चेंज कर लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में चेंज करना चाहते हो तो वही दोस्तों आप क्या करना है, गूगल में जाके दोस्तों आप अपने हिसाब से कोई भी कोड वहां से कॉपी कर लो और वही दोस्तों सेम टू सेम आपको प्रोसेस आपको यहाँ पे एक्सेल फाइल में अप्लाई करना है, ठीक है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे दोस्तों आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।